खबर शिवपुरी के देहात थाने से है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि पुलिस ने युवक को 8 ग्राम स्मैक कीमत 80,000 के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि युवक शिवपुरी में स्मैक खपाता था। जानकारी के अनुसार गुरु तेग सिख निवासी बांसखेड़ी गुना से शिवपुरी की ओर आ रहा था, तभी पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक कार से स्मैक खपाने के लिए शिवपुरी आ रहा है और बांसखेड़ी निवासी युवक को पुलिस ने शारदा सॉल्वेंट फैक्ट्री के पास चेकिंग लगाकर पकड़ लिया। युवक शिवपुरी की बांसखेड़ी का निवासी है। युवक लगातार स्मैक का धंधा करता है, जो कि अब TI विकास यादव के हत्थे चढ़ गया। सर, स्मैक का एक आरोपी पकड़ा ही आया है, कितने ग्राम स्मैक पकड़ा आई और कहां से पकड़ा है? एक व्यक्ति मौके से सूचना प्राप्त हुई थी कि व्यक्ति कोई गुना तरफ से शिवपुरी में कार से स्मैक लेके आ रहा है। इस पर से हमने उसका जो नंबर था गाड़ी का, उस आधार पर हमने चेकिंग करके एक सादा सॉल्वेंट के सामने हाईवे से एक गाड़ी दूसरे नंबर की गाड़ी को पकड़ा। उस व्यक्ति को की तलाशी लेने पर उसके बाद 8 ग्राम स्मैक प्राप्त हुई है, जिस पर मादक पदार्थ होने से NDPS का केस दर्ज किया गया है। द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि वो राजस्थान तरफ से स्मैक लेके आया था और सरकार और आरोपी गिरफ्तार किया गया है।